हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जिटवाई ट्यूटोरियल्स में। पिछले लेक्चर में हमने किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आज हम करेंगे उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड पे है और वो है कैलकुलेट द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, टोटल करेंट इन द सर्किट एंड टोटल रजिस्टेंस इन द सर्किट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, पाँच रजिस्टर है 5 ओहम का, दूसरा 10 ओहम और तीसरा 30 ओहम का। तो हमें निकालना क्या है, करंट थ्रू इच रेजिस्टर। देखो यहाँ पे, यहाँ से आई करंट ड्रॉ करेगा, यहाँ तक आई करंट आएगा और यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ जाएगा आई वन, कुछ जाएगा आई टू और यहाँ पे कुछ जाएगा आई थ्री। तीनों में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। और आपको इस फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो फिगर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट का डिवीज़न हो रहा है। अगर करंट का डिवीज़न नहीं होता तो ये जो सर्किट है, ये जो फिगर है, वो किस में होता, सीरीज में होता। तो करेंट थ्रू ईच रजिस्टर। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हमने पिछले क्लास में किया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, कहने का मतलब V जो है वो हर एक के पास सेम होगा। मतलब जितना पोटेंशियल इस रजिस्टर के पास होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा और उतना ही यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो मुझे पूछा है कि इस रजिस्टर में करंट कितना है। तो हम पहले 5 ओम की बात कर ले, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई आर, और हमें निकालना है I। तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो अब इस पाथ में कितना करंट होगा, और इस पाथ में करंट का वैल्यू हमने रखा हुआ है आई वन, तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर वन। ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है। तो देखिए वी कितना है हमारे पास, वी है 12 वोल्ट जो यहाँ पे लगा हुआ है, और आर वन कितना है 5। तो आई वन कितना हो जाएगा, 2.4 एम्पियर। ये इस पाथ में कितना करंट गया, ये क्लियर निकल गया। सेकेंड है आपका, इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो है आई टू। आई टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर टू। वी कितना है 12, आर टू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। इस पाथ का भी करंट कैलकुलेट हो गया। अब इस पाथ में देखते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे I3 होगा और I3 क्या होगा, V बाई R3। V कितना है हमारे पास 12 और R3 है 30, कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो ये जो वैल्यूज आए हैं I1, I2 और I3, वो इस पार्टिकुलर इसका इसका और इसका करंट है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन हो गया, I1 निकल गया, I2 निकल गया और I3 निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है टोटल करंट इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, और वो I किसके बराबर है, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो सेकेंड में टोटल करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि देखो I यहाँ पे था और यहाँ आने के बाद करंट के पास तीन रास्ते मिल गए, एक ये वाला, एक ये और एक ये। फिर ये तीनों चला 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 और यहाँ आके फिर से मिल गया और फिर से मिलके क्या बनाया, I। तो I किसके बराबर है, I जो है इन तीनों के सम के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4।
2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 4 टू 6 और 4 10, 2 1 3 4। टोटल करंट है सर्किट में 4 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां से सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि आपको यहां पे R इक्विवेलेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? R इक्विवेलेंट। और इसका फॉर्मूला कल हमने सीखा था कि अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका R इक्विवेलेंट या RP जिसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट और RP कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला था R1 R2 R3, यहाँ से आपका हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो आप यहाँ पर सिंपली उसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कितना होगा, 5 × 10 × 30 / R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 कितना हो जाएगा, 1500 / सही है। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R इक्विवेलेंट हमारा आ गया 3 ओम। और यहां से एक रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको, आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा गया है और उस रेजिस्टेंस में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां सबसे छोटा वैल्यू रेजिस्टेंस का क्या है, 5 ओम। देखिए तो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस के वैल्यू से भी कम आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा कि पैरेलल रेजिस्टेंस में अगर रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइन किया गया है तो उसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे लोएस्ट वैल्यू से भी कम आएगा। क्लियर? मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि अगर आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन किया गया है और उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा वैल्यू आता है किसका, R इक्विवेलेंट का, और यहां पे वो आ गया है 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे पास ये सर्किट गिवन है और इस सर्किट में हमें करंट का वैल्यू निकालना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ये फिगर जो है वो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब कि इस पूरे सर्किट को जो है एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं वो सीखेंगे इस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगा है 4.5 वोल्ट का, यहाँ से आई करंट विड्रॉ करेगा और यहाँ भी आई आएगा। यहाँ तक तो करंट आई चलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन करंट का नहीं होगा। अब देखिएगा जैसे ही करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो यहाँ से जाएगा और दूसरा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना कि अगर करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है तो वो रेजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। अब यहाँ से आई चला, यहाँ तक आई है, यहाँ आने के बाद करंट डिवाइड हुआ तो यहाँ पे मान लो कि I1 आ गया और यहाँ पे कुछ I2 आ गया। अब I2 इधर की तरफ चल रहा है और यहाँ I2,
फिर चला 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 यहाँ पे क्या आएगा I2, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों में करंट सेम है, तो दोनों किस में है, दोनों आपका सीरीज में है। क्लियर है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, ये देगा वैल्यू 4 ओहम का। मैं फिर से इस फिगर को रीड्रॉ करूंगा, अब देखिए यहाँ पे ये दो रजिस्टर की जगह मैं एक रजिस्टर लगाऊंगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 ओहम। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये हो गया आपका 4 ओहम और ये आपका 6 ओहम, बाकी सबका वैल्यू सेम रखिए अभी फिलहाल। फोर पॉइंट फाइव वोल्ट। अब देखना, अब फिर से इस फिगर को देखें अगर हम, तो यहाँ से आई चला 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 चला, आई यहाँ पे भी है, यहाँ तक आई है। अब यहाँ आने के बाद करंट डिवाइड हुआ आई वन और आई टू, मतलब कि अब ये दोनों जो है वो किस में आ गया, करंट का डिवीज़न हुआ, मतलब वो किस में आ गया है, पैरेलल में है। तो अब हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो अगर दो रेजिस्टेंस हो और दो पैरेलल में हो तो उसको सिंगल रेजिस्टेंस से कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला यूज करके हम इस दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है, 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, 24/10 2.4। मतलब कि अब मैं इन दोनों की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। और फिर देखिएगा सर्किट फिर से रीड्रॉ करूँगा मैं अभी, 3.6 ये हो गया, यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू क्या है 2.4 और फिर ये 3 4.5 वोल्ट। अब इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब क्या है, तीनों सीरीज में दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो देख लो कैसे होगा। यहाँ से आई करंट चला, यहाँ पे आई इंटर किया, इंटर किया आउट हुआ, यहाँ पे भी आई, फिर इंटर करेगा फिर आउट होगा, यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ पर भी आई, मतलब थ्रू आउट करंट क्या है, सेम है। और जब करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम हो तो वो सर्किट किस में होता है, वो सर्किट हो जाता है आपका सीरीज में। तो अगर मैं अभी फिर से इन तीनों रजिस्टर को अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, सिंपली इन तीनों को ऐड कर दूँ, क्योंकि सीरीज का रूल यही है कि आपको जो है सिंपली तीनों को ऐड करना होता है। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, अब मैं इस पूरे सर्किट को एक सिंगल से रिप्लेस करूंगा, सिंगल रजिस्टर से, सिक्स फोर टेन थ्री टू फाइव तीन नाइन, ये आपका हो जाएगा 9 ओहम और ये आपका है 4.5 वोल्ट। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो सर्किट था वो रिड्यूस होके कहाँ पे आ गया, एक सिंगल रेजिस्टर यहाँ पे आ गया। अब मुझे पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप यहाँ से करंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है 4.5, रेजिस्टेंस कितना है 9, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको देगा ये 0.5 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कर रहा है 0.5 एम्पियर। क्लियर है,
तो स्टेप याद रखिए, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो जैसे जैसे जो भी जैसा कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व कीजिए और उसका आर इक्विवेलेंट निकाल के उन सबको रिप्लेस करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा सर्किट जो है वो सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद आप उस सर्किट में आसानी से करंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। हमारे पास 3 रेजिस्टर लगा हुआ है और तीनों सीरीज में है, क्यों? क्योंकि करंट के पास सिंपल एक ही रास्ता है, करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, हमें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है। तो करंट जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा और वही करंट यहाँ पे भी होगा। तो कैसे करेंगे, इनको कंबाइन कर लेते हैं। सीरीज में अगर मुझे इस सर्किट को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 3, 2, 5 और 1, 6। मैं उस फिगर को फिर से रीड्रॉ कर दे रहा हूँ जो इसका सिंप्लीफाइड फिगर होगा। ये रहा 6 ओम, ये आपका है 2 वोल्ट, आपका यहाँ से करंट निकल जाएगा V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। V कितना है हमारे पास 2 वोल्ट, R कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 0.33 एम्पियर। इतना करंट इस सर्किट में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा, अब ये जो करंट आया है 0.33 एम्पियर, वो करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, वही सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और वही सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगा। करंट तो सेम है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि V जो है V इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे चूंकि करंट सेम है तो हम इस करंट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस पे। वोल्टेज किस पे होगा, रेजिस्टेंस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए वहाँ से कैसे आएगा उसका आंसर, पूरा टोटल वोल्टेज कितना है हमारे पास 2 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ V1, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ V2 और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ V3, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो V2 पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू होता है IR, और हमारे पास I तो कैलकुलेट हो चुका है कि 0.33 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है 3 ओम का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.99 अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो वो आ गया 1 वोल्ट। 2 वोल्ट आपने अप्लाई किया था और 2 वोल्ट में से 1 वोल्ट जो है वो इस रजिस्टर के पास आ गया, 1 वोल्ट इस रजिस्टर के पास आ गया। हमारे पास बचा कितना, 1 वोल्ट। अब वही 1 वोल्ट जो है वो यहाँ पे कुछ बट जाएगा और कुछ यहाँ पे भी बट जाएगा। कैसे बटेगा उसको देखेंगे अभी। चलिए, अगर मुझे इसके अक्रॉस निकालने के लिए बोले, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही था 3 ओम के पास कितना है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया और वो है 1 वोल्ट। अगर मुझे यहाँ निकालने के लिए बोलता तब तो मेरे पास क्या होता, आप देख लीजिए, V1 इक्वल टू आई आर कितना होता यहाँ पे, हमारे पास करंट कितना है, करंट है 0.33, R1 कितना है हमारे पास 2, तो ये हो जाता 0.66। V3 क्या हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे निकालने के लिए बोलता तो उस केस में क्या होता, उस केस में होता
0.33, क्योंकि करंट तो सेम है, करंट तो सीरीज में कभी चेंज होता नहीं है। रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये हो जाता है 0.33 वोल्ट और वोल्ट। टोटल को ऐड करने के बाद वो अप्रोक्सीमेट कितना दे देता आपको, 2 वोल्ट दे देता। क्लियर है? तो देखिए, जिसके पास जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसके पास वोल्टेज भी उतना ही ज़्यादा है, उससे कम रेजिस्टेंस उससे कम वोल्टेज, और उस सबसे कम रेजिस्टेंस सबसे कम वोल्टेज। क्लियर है? चलिए, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू अ 15 ओम रेजिस्टर टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है आर इक्विवेलेंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारे पास आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है और वो है 6 ओम। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास मान लो कि R1 दिया हुआ है 15 ओम, R2 हमें नहीं पता है, R2 ही हमें निकालना है। इन दोनों रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ें कि हमें R इक्विवेलेंट क्या मिल जाए, 6 ओम मिल जाए। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो R इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू अगर गिवन रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम है तो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली एडेड है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू गिवन रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम है तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी कनेक्शन है वो पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस तो है R1 और R2, और दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसके पहले हमने फॉर्मूला किया था R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 इक्वल टू R1 R2। R1 तो हमारे पास गिवन है, क्या R2 गिवन है, नहीं, तो R2 को R2 रहने देते हैं। फिर से R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 15 प्लस R2 इक्वल टू 15 R2 90 प्लस 6 R2 इक्वल टू 15 R2 90 इक्वल टू 15 R2 माइनस 6 R2 कितना हो जाएगा, 9 R2 इक्वल टू 90। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 90/9 मतलब कि 10। तो हमारे पास R2 का वैल्यू क्या आ गया, 10। तो इसका जो वैल्यू है वो है 10 ओम। हम जब भी 15 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 6 ओम होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू गिवन रेजिस्टेंस से कम है तो हमें ये मान के चलना है कि वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर R इक्विवेलेंट का वैल्यू इस 15 से ज़्यादा होता तो ये क्लियर हो जाता कि फिर वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप एक बैटरी सोर्स या कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखा दीजिए। अब देखिए, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे तो हो गया अभी, तो यहाँ से करंट विड्रॉ होगा तो यहाँ पे करंट आएगा आई, और जैसे ही वो यहाँ पे इंटर करेगा इस पॉइंट पे तो यहाँ पे आ जाएगा I1 और यहाँ पे आ जाएगा I2। करंट का डिवीज़न हो गया, मतलब कि अब ये दोनों किस में आ गए हैं, अभी फ़िलहाल पैरेलल में आ गए हैं। अभी देखना,
फिर करंट यहाँ इंटर करेगा I2, करंट यहाँ पे आएगा I2, फिर करंट यहाँ से यहाँ भी आएगा I1। इस पॉइंट पे आकर फिर से ही दोनों करंट मिल जाएगा और फिर से मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा I, और ये करंट फिर फर्दर यहाँ पे डिवाइड होगा I1 और I2 में, फिर ये आपस में जाके यहाँ मिलेगा और फिर मुझे आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा I। तो करंट यहाँ भी डिवाइड हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, फॉर्मूला आपको याद है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हों तो उनका फॉर्मूला होता है आर वन आर टू बाई आर वन प्लस R2। तो अगर मुझे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना हो तो मैं कैसे करूंगा, वो देखिए इसका क्या आएगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा सॉल्व करने पे, तो वो आएगा 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, 36 बाई 12 इक्वल टू 3 ओम। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ जिसका वैल्यू क्या होगा, 3 ओम उसका वैल्यू होगा, ठीक है। इसका तो काम हमने कर दिया, ये 3 ओम का हो गया। अब इसको देखिए, इसका भी वैल्यू तो सेम ही दिख रहा है जो वैल्यू इसका है, मतलब इसका भी R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, जो पहले वाले का आया था। तो इन दोनों के लिए भी मैं एक फिर से सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊंगा 3 ओम का, देखिए ये हो गया। अब ये दोनों किस में आ गया, अब ये दोनों आ गया सीरीज में, क्योंकि अब यहाँ से अगर करंट I चलेगा, यहाँ भी I और फिर यहाँ भी I, तो इस कहीं भी करंट का डिवीज़न नहीं हो रहा है। यहाँ पे करंट का डिवीज़न यहाँ पे हो रहा था, फिर वो यहाँ के कंबाइन हो रहा था और फिर से यहाँ के करंट क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। तो जहाँ पे करंट का डिवीज़न हो रहा था वो पैरेलल, फिर यहाँ पे डिवीज़न हो रहा था ये पैरेलल, अब ये दोनों किस में आ गया है, सीरीज़ में आ गया है। तो सीरीज़ में इन दोनों रेजिस्टेंस को भी अब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, तो सीरीज में सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 ओम। तो जो एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ओम और यहाँ पे V। आप पॉइंट का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे यही वो A पॉइंट था और यही वो B पॉइंट था, ये वो A और ये B। और इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमें एक सिंगल R इक्विवेलेंट मिला है, जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो हो गया 6 ओम। मतलब इन सारे रजिस्टर की जगह पे अगर हम एक सिंगल रजिस्टर लगाते हैं जिसका वैल्यू 6 ओम होगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे इस तरह के सवाल को हम ऐसे डील करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको फर्दर जब कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।